बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसकी डेफिनेशन ये है, लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स यू एंड वी इन द प्लेन और स्पेस हैव सेम इनिशियल पॉइंट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी रिटन एज यू डॉट वी इज डिफाइंड बाई यू डॉट वी इक्वल टू यू की मैग्नीट्यूड इंटू वी की मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा, थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन यू एंड वी। तो डिडक्शन है, सम रिजल्ट है, ये आपने याद रखने हैं कि आई डॉट आई। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे ये है, यू डॉट वी वैक्टर इक्वल टू यू की मैग्नीट्यूड, वी की मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा। तो ये यूनिट वैक्टर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये यूनिट वैक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। और आई डॉट आई अगर एक ही यूनिट वैक्टर है तो उसका एंगल जो होगा वो 0 होगा, तो का 0 1 होता है, तो आई डॉट आई इक्वल टू 1 आ गया। सिमिलरली जे डॉट जे इक्वल टू 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा। अब एक और रिजल्ट है जी, आई डॉट जे, तो आई की मैग्नीट्यूड, जे की मैग्नीट्यूड और काज ऑफ, जब ये देखें आई ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और जे जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है और इनके दरमियान ये जो बिटवीन एंगल है ये 90 का बनता है ये वाला, तो काज 90 0 होता है, लिहाजा आई डॉट जे इक्वल टू 0। सिमिलरली आई डॉट के, जे डॉट के वगैरह ई टी सी ये सारे 0 होंगे। यू डॉट वी इज इक्वल टू यू वी, अब इनको रिवर्स करें, रिवर्स करने से ये वी इधर आ जाएगा, यू इधर चला जाएगा और एंगल माइनस का हो जाएगा। बट इन काज जो डायरेक्शन ये एंगल होता है इसकी माइनस और प्लस इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो हैंस यू डॉट वी इक्वल टू वी डॉट यू। तो एक्सरसाइज 7.3 इसके क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, 3 का 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9, 11, 12 के 2 पार्ट हैं जी, पार्ट 2 एंड 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। ये गिवन है हमें, यू वैक्टर इज इक्वल टू ये है और वी वैक्टर ये है, तो कॉस थीटा हमने मालूम करना है। वी नो डैट यू डॉट वी, वी नो डैट यू डॉट वी इक्वल यू की मैग्नीट्यूड, वी की मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ थीटा। तो इसमें स्टूडेंट्स हम यू डॉट वी इनका लेंगे पहले, यू का ये है और डॉट ये वी का आ गया, तो आई डॉट आई इनका 2 2 4, अगर आई का जे से लेंगे तो वो 0 होगा, आई का के से लेंगे तो वो भी 0 होगा। तो जो हिम सेल्फ है ना, बस वही बचेंगे, यानी आई आई वाला, जे जे वाला और के के वाला, इनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा। और साथ आपने ये मस्ट लिखना है, आई डॉट आई जे डॉट जे ई टी सी ये इक्वल टू 1 के होते हैं, आई डॉट जे जे डॉट के ई टी सी ये इक्वल टू 0 के होते हैं। तो लिहाजा इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 + 1 = 5, 5 में से 12 - 7 आ जाएगा यू डॉट वी। अब हमने ये साइड निकाल ली, अब यू की मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वी की मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। यू की मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया हुआ कि कैसे निकालनी है, ये यू वेक्टर है, इसके जो कोएफिशिएंट है आई जे के इनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये आ गया। इसी तरह वी की मैग्नीट्यूड भी आ जाएगी, ये 21 का स्क्वायर रूट आ गया। अब हम वो फार्मूला लिखेंगे क्या जी, यू डॉट वी इक्वल यू डॉट यू की मैग्नीट्यूड, वी की मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू -7 है, इसकी है 14, इसकी 21, कॉस थीटा को इधर रहने दें, ये दोनों उधर जाकर ओवर में चले जाएंगे। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 × 2 = 7 × 3, तो इनमें से एक 7 बाहर आ जाएगा, वो ऊपर वाले से ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। ये यू वैक्टर है जी, अल्फा आई प्लस 2 अल्फा जे माइनस के, वी वैक्टर है आई प्लस अल्फा जे प्लस 3 के, सिंस यू एंड वी आर परपेंडिकुलर गिवन है, उसने खुद बताया हमें कि यू एंड वी आर परपेंडिकुलर है, सो यू डॉट वी इक्वल टू हम 0 लिख लेंगे, क्योंकि उसने हमें खुद कहा है कि यू एंड वी आर परपेंडिकुलर, दैट्स वाई वी टेक यू डॉट वी इक्वल टू 0। नो हियर वी पुटिंग द वैल्यूज, ये यू की वैल्यू है डॉट, ये वी की वैल्यू पुट की। सिमिलरली मैंने जैसे कहा था आई डॉट आई वाले और जे डॉट जे और के डॉट के वाले वो 1 हो जाएंगे और बाकी हमारे पास ये आ जाएगा अल्फा 1 2 अल्फा, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर हो गया, -1 को 3 से करेंगे तो -3 इक्वल टू 0। और साथ आपने स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि आई डॉट आई जे डॉट जे ई टी सी इक्वल टू 1, आई डॉट जे जे डॉट के ई टी सी ये 0 होते हैं, यानी डिफरेंट हो तो वो 0 होते हैं, 2 α² + α - 3 = 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 3 6 होता है तो 3 और 2 इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन के करने के बाद हम ये 2 फैक्टर आ जाएंगे, 2 α + 3 × α - 1 = 0,
इसको भी लगा जीरो के और इसको भी लगा जीरो के, तो हियर वी गेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3/2 और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, लेट वी इज इक्वल टू ए वन आई। ये हमने स्टूडेंट्स ये हमने फर्ज कर लेना है, फर्ज करें लेट वी इज इक्वल टू वैक्टर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। सिंस उसने हमें खुद कहा है कि वी डॉट आई क्या जी, ये जीरो है, तो वी की वैल्यू पुट कर दी, डॉट आई लिया, आई डॉट आई, आई डॉट जे डॉट आई, के डॉट आई, आई डॉट आई की वैल्यू वन होती है, जे डॉट जीरो, के डॉट आई ये भी जीरो, तो ए वन प्लस जीरो जीरो इक्वल टू जीरो, तो ए वन की वैल्यू आ गई जी हमारे पास जीरो। आल्सो ये भी हमें गिवन है, वी डॉट जे इक्वल टू जीरो, फिर उसी तरह ही वी की वैल्यू पुट की, डॉट जे लिया, जे आई डॉट जे, जे डॉट जे, के डॉट जे, आई डॉट जे जीरो, जे डॉट जे वन, सेम हो तो वो वन होते हैं, के डॉट जे डिफरेंट हो तो वो जीरो होते हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो ये ए टू इक्वल टू जीरो आ गया। और यहाँ से हमें सिमिलरली वी डॉट के करेंगे तो ए की थ्री इक्वल टू जीरो आ जाएगा, हैंस वी इज इक्वल टू, अब हम ए वन ए टू ए थ्री की ये जो वैल्यू मूव कर की है हमने, ए वन की जीरो, ये ए टू की जीरो, ये ए थ्री की जीरो, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे तो वी गेट वी इक्वल टू जीरो, ये हमारा आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये थ्योरम है, तो इसको हम लॉजिक से प्रूव करेंगे। लॉजिक क्या है, वो ये कह रहा है कि जो हाइपोटेन्यूस है, ये जो है ना ये वाली साइड, ये हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि 90 के सामने जो साइड होती है राइट ट्राइंगल की, इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ए टू बी ये हाइपोटेन्यूस है। हम इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे, ओ ए ये डायरेक्शन लेंगे, ओ सी ये डायरेक्शन लेंगे, और ओ ए ये डायरेक्शन लेंगे। अगर सी की जगह पे हम देखें, सी की तरफ, सी से ए की तरफ जाना हो तो ये डायरेक्शन बनती है, और सी से इधर जाना हो तो ये डायरेक्शन बनती है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने ऊपर डायरेक्शन लिख दी है, ओ सी की ये डायरेक्शन, ओ बी की ये डायरेक्शन, ओ ए की ये डायरेक्शन। तो सपोज अ राइट ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी ये एक राइट ट्राइंगल है, लेट ये जो सी पॉइंट है बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका ये मिड पॉइंट है, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होता है, डैट इज देन सी ए, यानी सी से ए की तरफ जाएं इक्वल होगा माइनस सी से बी। माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये सी ए से उलट, यानी रिवर्स डायरेक्शन है सी बी की। अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड लें तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी सी ए, और इसकी मैग्नीट्यूड जब मैग्नीट्यूड लेते हैं किसी वेक्टर की तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव लिखेंगे, इसको नेम वन दे लिया। नौ, अब हम ये देखें जी, ओ से ए की तरफ जाना है, ओ से ए ये रिजल्टेंट वैक्टर है किसका जी, ओ सी प्लस सी ए, ये देखें ओ ए ओ सी प्लस सी ए। सिमिलरली ये जो एक रिजल्टेंट वेक्टर है ओ बी, ये इक्वल होगा ओ सी प्लस सी बी, तो ये मैंने दो लिख लिए। सिंस ये ओ ए एंड ओ बी ये स्टूडेंट्स ये आपस में परपेंडिकुलर है, यानी एक ये है और एक ये है, ये ओ ए है और ये ओ बी है, ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर है, यानी इनके दरमियान 90 का एंगल है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। सो ओ ए एंड ओ बी ये परपेंडिकुलर है, तो ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू जीरो आएगा। ये ओ ए की वैल्यू मैंने ये वाली पुट कर दी इधर, फिर ओ बी की ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दी इक्वल टू जीरो। ओ सी सिंस सी ए, सी ए इक्वल है माइनस सी बी के, ये मैंने स्टार्ट में बताया आपको, सी ए इक्वल माइनस सी बी के, तो ये सी ए की जगह मैंने इक्वल वाली वैल्यू लिख दी माइनस सी बी, तो ये इसको अब मैंने मल्टीप्लाई करवाया जी, ओ सी को ओ सी से, ओ सी को ओ सी बी से, माइनस सी बी को ओ सी से, माइनस सी बी को माइनस सी बी से, सी बी से, ये दोनों ये सेम है तो इनका स्केयर हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये इक्वल होते हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, ये सी बी का स्केयर हो जाएगा, तो इस ये माइनस है तो ये दूसरी तरफ जाके इक्वल में ये पॉजिटिव हो गया, दोनों तरफ ये स्केयर और ये स्केयर कैंसिल, तो वी गेट
ओ सी इक्वल सी वी मैग्नीट्यूड दोनों बराबर आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें ओ सी इज इक्वल टू सी बी, तो सी बी किसके इक्वल है, सी ए के। अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यकजा करें यानी कंपेयर करें कंबाइन करें, कंबाइनिंग वन एंड टू इक्वेशन, वी गेट ओ सी इक्वल सी ए इक्वल सी बी, हेंस मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, ये हमने प्रूव करना था। सो हेंस मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, ये वाले वर्टिसेस होते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं इनको ना वर्टिसेस भी कहते हैं। तो ये जो है ना ये इक्वल डिस्टेंस है यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो स्टूडेंट्स ये आज के क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।